गोटेगांव से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इन दिनों प्रदेश भर में जनता से आशीर्वाद लेने जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में शिवराज सिंह की रथ यात्रा शनिवार को नरसिंहपुर पहुंची, जहां उन्होंने जिले की 4 विधानसभा में 4 बड़ी सभाओं के साथ कई रथ सभाएं की। दोपहर को गाडरबारा से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा गोटेगांव में संपन्न हुई, जहां मुख्यमंत्री ने रोड शो करते हुए जनता से भाजपा की सरकार के लिए आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री इस दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे, साथ ही दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को प्रदेश की बर्बादी की वजह बताते हुए भाजपा सरकार की योजनाओं की तारीफ के कसीदे पढ़ डाले। उन्होंने कहा कि संबल योजना लोगों के लिए बड़ा सहारा बनी है। बातों ही बातों में मुख्यमंत्री राहुल गांधी पर भी तंज कसा। कांग्रेस की जब सरकार थी किसानों को क्या दे दिया, और आज से क्या था, राहुल गांधी जी जैसे लोग किसानों की बात करते हैं, जिन्हें कभी गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको ये पता नहीं कि भिंडी ऐसे लगती है कि ऐसे लगती है, वो आज हमसे खेती की बात करते हैं। मेरे किसान भाइयों, 1 साल में 32,701 करोड़ रुपए मैंने अलग अलग योजना में किसान के खाते में डाले हैं, 32,701 करोड़ रुपया। सिरोंज से हमारे संवाददाता बाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। सिरोंज में भोपाल संभाग के पुलिस आईजी जेडीपी प्रसाद और विदिशा एसपी विनीत कपूर ने थाना सिरोंज में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और दिशा निर्देश दिए। आईजी द्वारा पत्रकार वार्ता में बताया कि आगामी त्योहार और विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी चर्चा की और सभी को अपील करते हुए कहा कि सभी धार्मिक कार्यक्रम सद्भावना से मनाए जाएं और अशांति फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसमें हम गलत रिपोर्टिंग पे कार्रवाई करते हैं और जो गलत रिपोर्ट कराता है उसके खिलाफ केस कायम हो जाता है, तो उसमें पूरे प्रावधान है सीआरपीसी और आईपीसी के तहत। लटेरी से हमारे संवाददाता अंसार मंसूरी की रिपोर्ट। लटेरी विकास खंड कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ के अध्यक्ष द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि कंप्यूटर ऑपरेटरों ने हुंकार भरी कि यदि कंप्यूटर संघ की मांगे पूरी ना होंगी तो 18 सितंबर से भोपाल में विशाल आंदोलन करने की बात कही है। दरअसल मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्था, आज हमारे घर में परिवार है, बच्चे हैं, बीवी हैं, सब कुछ है, किंतु आज तक सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। तो एक तरफ शासन की अवहेलना करने वाले कर्मचारी जिनको 60,000 वेतन दिया जा रहा है, जो सरकार के काम में विरोध उत्पन्न करते हैं, धरना प्रदर्शन करना, सरकार के काम जो सुचारू चल रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, किंतु हम रात दिन छुट्टी के दिन भी कार्यालय में बैठते हैं, उसके उपरांत भी सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे।